नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। जो पिछला बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट करते हैं। पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों के बारे में आपको अभी क्लियर पढ़ा देता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ यह कह सकते हैं, I am teaching English. I am teaching English. तो यहाँ जो teaching है ये present participle होगा। उस तरह से I am going home, I am reading book, I am playing cricket, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें ing लगा हुआ है वो सभी present participle के अंतर्गत आएंगे। दूसरा use, as an adjective. एडजेक्टिव की तरह भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। यहाँ देखिए, ये जो रनिंग है वो हॉर्स की विशेषता बता रहा है, इस वजह से ये एक एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, दो बातें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं। एक तो कंटिन्यूअस में इसका यूज़ होता है, दूसरा एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग होता है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो प्रयोग है, कुछ शब्दों को ध्यान देना है, कुछ वर्ब्स को, जैसे कि फील हो गया, जैसे कि कैच, सी, हियर, स्मेल, लिसन। लिसन हमेशा टू रहता है साथ में। तो देखिए, अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है किसी सेंटेंस में और इन शब्दों के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता हो तो उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे कि आई कॉट, सी ए यू जी एच टी, कैच का सेकेंड फॉर्म होता है कॉट। I caught him, देखिए मैंने बोला था कि ये शब्द हो और इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आता हो। जैसे देखिए, यहाँ पे him आया तो एक ऑब्जेक्ट है, तो I caught him, अब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, stealing, stealing my purse। मैंने उसे अपना पर्स चोरी करते हुए पकड़ा, तो इस तरह से इसमें यूज होता है। जैसे मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह से इसका यूज होता है। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है चौथा यूज, जो बिजी वर्ड है, बी यू एस वाई, बिजी वर्ड। तो इसके बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। जैसे कि आई एम बिजी टीचिंग इंग्लिश, आई एम बिजी टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे, बिजी के बाद आपको टू टीच इंग्लिश नहीं लगाना है। मेरा कहना यह है कि बिजी के बाद आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा। आई एम बिजी टू टीच इंग्लिश नहीं होगा, आई एम बिजी टीचिंग इंग्लिश होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, यदि दो कार्य एक साथ होते हों या पहला कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता हो तो पहले वाले कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे। यानी कि दो कार्य एक साथ होता हो, दो कार्य एक साथ हो रहा हो, या एक कार्य के समाप्ति के पश्चात दूसरा कार्य तुरंत हो रहा हो, मतलब कोई विलंब ना हो, कोई समय वहाँ व्यतीत नहीं किया गया हो, उस स्थिति में
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको एक साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही जम्प्ड अप, ये हुआ। एग्जांपल नंबर सेकंड, ही रैन अवे, ये देखिए। इन दोनों सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि ये कार्य पहला पहले हुआ है, उसको तुरंत ये कार्य हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई विलंब नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ये कैसे होगा? जंपिंग अप, फिर यहाँ से ही रैन अवे। तो ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे, ये अक्सर 10वीं और 12वीं में पूछा जाता है। जब ट्रांसलेशन वाले क्लास में बैठेंगे, ट्रांसलेशन वाला क्लास जब मैं लूँगा, तो इस तरह के सेंटेंसेज आपको यूज़ करने होंगे, तो उसमें भी याद दिलाऊंगा। तो इसको क्लियरली इसको पढ़ लीजिए एक बार। अब बात कर लेते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होता है? पहला, परफेक्ट टेंस में होता है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उन सब में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आपको करना होगा। जैसे कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये टेकन शब्द का प्रयोग किया है, वो भी जो कि टेक का थर्ड फॉर्म है। तो ये परफेक्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट टेंस में इसका यूज हुआ है। ध्यान रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हर तरह के परफेक्ट टेंस में होता है। दूसरा बात कि इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह भी होता है, एडजेक्टिव की तरह, जैसे कि ये हो रहा था, तो उस तरह से एक एडजेक्टिव की तरह भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे कि ब्रोकन लेग्स आर यूजलेस। तो यहाँ देखिए जो ब्रोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये लेग की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका एक ही है और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि जब दो कार्य हों, दो कार्यों के बीच में कुछ विलंब हो, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ भी मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। ही टुक ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू स्कूल। ये देखिए ये दो एग्जाम्पल है, ही टुक ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू स्कूल। इसको आपको बदलना है परफेक्ट में, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पता चल रहा है कि खाना, जब उसने नाश्ता किया उसके वो तुरंत उठ करके स्कूल नहीं गया होगा, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, हैविंग थर्ड फॉर्म बदल जाएगा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट He went to school। तो इस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ये तीनों पार्टिसिपल क्लियर हो गए, और इस तरह से नॉन फ्रेंड वाला चैप्टर भी मैंने क्लियर कर दिया है। यदि आपको समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।